हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीक की जो वर्कशीट में हमने गेम खेला था, उसमें स्टूडेंट विनर हुआ था जिसका नाम है रमेश चंद। ठीक है, उस पर उसको मैंने एड्रेस ले लिया, उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया जाएगा इस वीक के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग भी विनर बनना चाहते हो इस वीक की वर्कशीट का, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखें, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन पता लग सके और आज भी विनर बन सके। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकालेंगे मैथ की, क्योंकि आपकी मैथ की नोटबुक में करना है और ये आपकी हिंदी मीडियम की। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम वाली कंप्लीट कर दीजिए, आप लोग वो जाके डाउनलोड कर सकते, देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों स्टूडेंट की ये वर्कशीट है। आपकी गतिविधि पत्रक नंबर 30 है और 22 फरवरी की आपकी गतिविधि पत्रक है। ठीक है, टॉपिक आपको क्या लिखना है अपनी नोटबुक में, परिमाप। परिमाप आप लोग टॉपिक लिखते हुए चलेंगे। कुछ दोस्तों बगीच में खेल रहे थे, कुछ दोस्त क्या बगीचे में खेल रहे थे, तुरंत ऋतु को वर्गाकार बगीचे की चारों ओर चक्कर लगा था, सांप दिखाई दिया। क्या दिखा? एक सांप दिखा किसके, बगीचे के चारों तरफ। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती रही। ठीक है, ऋतु ने कहा वह देखो स्नैक है। ठीक है, ऋतु ने कहा वो स्नेक जा रहा है। मनु ने क्या कहा, स्नेक नहीं सर्प जा रहा है। पिंकी ने क्या कहा, वह नहीं सांप जा रहा है। कुंदन ने क्या कहा, वो सर्प जा रहा है। जीत ने क्या कहा कि वो सप है। रहीम ने कहा वो सांप है। प्रिया ने कहा बहस मत करो, हम अपने अध्यापक से पूछते हैं। ठीक है, अध्यापक कहती है, अध्यापक ने क्या बोला, आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग नाम से पुकारा जाता है। बच्चों सांप क्या है, अलग भाषा में अलग होता है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, सांप बोलते हैं, तो पंजाबी में क्या कहा जाता है, सप कहा जाता है। संस्कृत में सर्प कहा जाता है, भोजपुरी में सर्प कहा जाता है, अंग्रेजी में स्नेक कहा जाता है, उर्दू में सांप कहा जाता है। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, जिसमें 6 भाषा में इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों स्नेक होता है, ठीक है, आपको बताना है स्नेक जो है वो, जैसे आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड है। ठीक है, किसी में फंगाई आता है, किसी में प्रोटिस्टा आता है, किसी में एनिमेला आता है, किसी में प्लांटी आता है। ठीक है, तो आपका प्लांटी हो गया, एनिमेला हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, आपका फंगाई हो गया, ये डिवाइडेड है। तो आपको बताना है जो स्नेक है वो इनके कौन से पार्ट में आता है, एनिमल किंगडम के कौन से पार्ट में स्नेक आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। चलिए, हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति के परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई उसका परिमाप है। देखिए, इसमें दिया गया है कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, और उसकी एक लंबाई कितनी है, 200 की। तो 200 ये हो गया, 200 ये, 200 ये हो गया, और 200 ये। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 200 प्लस 200 400 प्लस 600 प्लस 800, और 800 इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया चारों भुजाओं का। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए, प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का। अब देखिए, तो आप कैसे करोगे इसे, देखिए बहुत इजी दिया गया है, इसको आपको 1 सेंटीमीटर बता दिया है प्रत्येक वर्ग। तो देखिए, 1 2 3 4, ये कितना, 4 की होगी साइड, 1 2 3, ये 3 की होगी, 1 2 3 4, ये भी 4 की होगी, 1 2 3, ये 3 की होगी। तो आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 प्लस 4, आपका 8 प्लस 6, कितना आंसर आ गया आपका, 14 इसका आंसर आ गया। ऐसे हम लोग सेकंड करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 हो गया, 1 2 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, तो 6 6 12 और आपका 16 16, इसमें आंसर आ गया। ऐसे हम लोग थर्ड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सब 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये भी आपका 5 है। तो आप कैसे करोगे, 5 बार 5 प्लस कर दोगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितना जाएगा आपका, 20, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको एक गेम दिया गया है, आओ खेल खेलते हैं। एक पासा प्रत्येक बच्चे के समूह के लिए एक कागज़ से बनी वर्क टाइल 1 सेंटीमीटर है।
ठीक है, एक पासा आप उछालोगे उसकी क्या है, ये 1 सेंटीमीटर की आपको टाइल्स दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये गेम को खेलना है। बच्चे पासा को फेंकेंगे, जितनी संख्या आएगी उतनी टाइल उठा लेंगे। मान लीजिए आपने पासा को फेंका 2 आई, तो आप 2 टाइल यहाँ से ले लोगे, ठीक है। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे। बहुभुज क्या, आपको बहुभुज बनाना है, उसके लिए आप टाइल लगाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे। परिमाप निकालेंगे, एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है। आपने जैसे एक बार उछाला, 3 आ गया, तो आप 3 बना दोगे, इसे आप बिगाड़ नहीं सकते हो। अगली बार उसी टाइल में जोड़नी हो और नया परिमाण निकालना है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले बनी आकृति टाइल में टाइलें जोड़ती जाना है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 आएगा वह खेल जीत जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए आपने ये उछाला, आपका 3 आया, तो आपने 3 रख दिया। फिर अगली बार में आपका 4 आया, तो इसमें आप 4 ऐड कर दोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने उछाला, उसके पास 3 आया, अब उसने निम्न बहुभुज बनाया, उसका परिमाप कितना, 8 निकला, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल दिया गया, ये सिर्फ आपको करके देखना है, किसी बच्चे को कुछ लिखना नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आपको एक खेल दिया गया था, वो आपने कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और देखिए आप लोग कैसे जीत सकते हो। जैसे मैंने आपको लोगों को बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना, आंसर कमेंट में भी देना है, इंस्टाग्राम पर भी आंसर देना है, आईडी ये, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम पर आंसर दोगे मेरे को उसी क्वेश्चन का। और देखिए, अगर आप लोग आईफोन का गिव अवे जीतना चाहते हो, तो जैसे ही चैनल पर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आईफोन का गिव अवे करा जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, जो बच्चा मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, वीडियो को पूरी देखता है और वीडियो को लाइक करता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली बच्चों गिफ्ट जीत सकता है। इस वीडियो का हमने एम कितना रखा लाइक का, 200 लाइक, ठीक है। तो सभी बच्चे 200 लाइक कर देंगे, वीडियो को पूरी जरूर देखें, सारी वीडियो 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, पीस सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय।